निकालते निकलना चाहिए। इसमें कौन सा रूट है? अल्फा हाइड्रोजन पाई। मैं तुझे देखिए अल्फा हाइड्रोजन और पाई देख रहा है इसमें। दो है, टू है। ठीक है, वो स्टार्ट हो गया। पांच शेप 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 नहीं भी आ रहा है। स्मार्ट चिप कहीं से हट गया? नहीं तो वो हटाना है। तो अब नहीं, वो तो नहीं आता ना, स्मार्ट जो चल रहा है। बना के देखो। लिखा हुआ आ रहा है तो करूं, कैसे हो गया?
कैसे होगी? रीजॉइन बीच बंद करके आप रीजन करके नहीं होगा। अच्छा थोड़ी CS3 पहले क्या दिया? CS3 CS क्या? अच्छा तुम बोलो मत अभी, क्या गलत है देखते हो? नंबर दो, नंबर दो सीएच और सीएच सिंगल बॉन्ड सीएच टू सी पर है सीएच एक छोटे का सी डबल बॉन्ड सीएच सही है वाले चुप, गलत बोल रहे तो। सीएच थ्री होल्ड टू हाँ फोर क्या? सीएच थ्री होल्ड टू सी डबल सीएच सी एच थ्री होल्ड बाय सी डबल सी सी एच थ्री होल्ड गुड भाई, गलत हो जाएगा, बैलेंस ही पूरी नहीं होगी ना। प्राइस में सी एच थ्री होल्ड सी डबल और सी सी टू एच फाइव चलो कर लिया, हो गया। पहले कैसे होंगे ना, 5 कैसे आ गया? ये रहे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन छह अल्फा हाइड्रोजन है, कितना सब्स्टिट्यूटेड है? 250, दो अल्फा कार्बन है, 250। नेक्स्ट ये है, और कितना सब्स्टिट्यूटेड है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट तीन तीन और दो पांच, यहां से छह इसमें भी है, तो ये क्या? डाई सब्स्टिट्यूट, दो अल्फा है ना, डाई सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट इसमें छह यहां से नौ, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। उससे नेक्स्ट फाइड्रोजन, टेट्रा सब्स्टिट्यूट, छह यहां से चार, दस। अभी इनका ऑर्डर ऑफ सिमिलिटी क्या होगा? इनका ऑर्डर ऑफ सिमिलिटी क्या होगा? और किसी बोला आयुष के अलावा? बोल, 6 5 4 6 कहां से हो गया स्टेबल? बोल आयुष, फाइव सिक्स फोर वन थ्री टू, टू बोला आयुष। आंसर इसका है 5 6 4 3 1 2। ये गलती करनी सही, फायदा नहीं कोई ऐसे। 5 6 4 3 1 2। अब कोई भी तुम में से देखो, अल्फा डिजाइन देख रहे, सिर्फ 1 और 3 का रीजन कोई रास्ता क्या? अभी समझ नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। जब तुम इसके हाइब्रिड बनाओगे ना इस कंपाउंड के, तो इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे, कार्बन आयन प्राइमरी बनेगा, कार्बन आयन टर्शरी बनेगा, दोनों ही स्टेबल होते हैं। ऐसे होगा ना, इस तो शिफ्टिंग बहुत इजीली होगी, शिफ्टिंग बहुत इजीली होगी। बुक्स में भी लिखा हुआ है, वन साइडेड हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्यादा स्टेबल होती है देन टू साइडेड। लेकिन ये है रीजन इसका, इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। कार्बन आयन टर्शरी, कार्बन आयन प्राइमरी, स्टेबिलिटी ज्यादा। ये अभी आगे चला जाएगा। अच्छा ये अभी है ब्यूट टू इन जो आया, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, इसके दो सूत्र बनते हैं, एक ये
और एक ये ठीक yes, पता नहीं ये पता नहीं था कुछ इसके बारे में, क्या मैंने वाटर बताया हुआ ना, मतलब डिटेल चल रहा है आइसोरस के अंदर का, बहुत डिटेल चलेगा जेमेटिकल आइसोरस का। तो अभी तो तुम्हें सिस ट्रांस, ट्रांस में ग्रुप अपोजिट, सिस में ग्रुप सेम, सेम साइड ग्रुप, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी होना जरूरी है। एक कंडीशन अगर याद रखते हो याद कर लेना, ये कंडीशन बस भूलना नहीं, इससे सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, नीट आई टी मेन्स के सारे कर जाएंगे क्वेश्चन। जैसे ये ए मान लो, ये बी, ये डी और ई, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, साथ में ए नॉट इक्वल टू बी हो, डी नॉट इक्वल टू ई, बस ये केस याद लो तो जोमेट्रिकल हमेशा होगी, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ए नॉट इक्वल टू बी हो और डी नॉट इक्वल टू ई। तो उसमें देखो ए ए और बी क्या इक्वल है, नहीं नहीं इक्वल, और डी और ई ये भी इक्वल नहीं है, समझ आ गया कि नहीं है, तो जोमेट्रिकल होगी जरूर। अब तुम्हें इसके बता रहे क्वेश्चन, ये कंडीशन भूलना नहीं बिल्कुल भी, जोमेट्रिकल आइसोरेसिस हर जगह चलेगी कंडीशन, ये लिख लिया है तुमने, लिखा नहीं है, क्या कर रहे हो, सो रहे तुम, याद रहेगा ये, नोट कर लेना जरूर। अब इसमें क्वेश्चंस है, मोर सेवल कौन सा है, क्वेश्चन लिखते रहेंगे जल्दी से, इन दोनों से ज्यादा सेल कौन सा है, ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से जल्दी लेंगे, मोर सेवल मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मोर हीट ऑफ कंबशन, मोर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सब बता रहे किससे आ रहा है, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सब और कुछ है क्या, यही चीज है ना, उसमें सिस और ट्रांस में यही पूछेंगे सारा। हाँ अब बताएंगे जरा, निकालो आंसर, लेक्चर कर लिए सारे, तो है कोई चलता साफ कर साफ ढंग से, ठीक है, और है कोई चीज बुला रहा है हम लोग तो आधे का तो कल याद से सुना दी, मैं मैसेज जल्दी उधर हो गया करके, जरूर याद से है, आज आपको बोला तो तुझे पता है ग्यारह ग्यारह लेक्चर जो झूठ बोलता है, तो अभी मैंने बोला है कि गारंटी आज रात को बुला दूंगा, बोला था कि नहीं, सब बता दे, बोला क्या, बोला है नहीं, आज सुना है, हाँ चित्राक्ष सर हो गए निकालिए सर आंसर, आज आज ही कर लियो, छह तो कर लिया था। हाँ बोलो, पहला क्या था क्वेश्चन, मोर सेवल, मोर सेवल कौन सा है, ट्रांस, आंसर कुछ उल्टा ही देते हैं, देखो ट्रांस के अंदर दोनों बड़े वाले ग्रुप जो है वो अपोजिट है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्शन कम ऐसे बोलते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी कम, सेविलिटी ज्यादा, याद रहेगा। और इसमें देखो दोनों मिसाइल कहाँ पे है, एक ही प्लेन में है ना ये, तो इसमें क्या होगा, दोनों मिसाइल ग्रुप्स
एक ही प्लेन में पास होंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा इससे, सेवरिटी कम, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सेवरिटी कम हो जाएगी, याद रहेगा कि नहीं, ट्रांसिस बोर्ड से जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या होगी, जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर एनर्जी स्टोर क्या होगी, कम होगी, H2 ऐड करने पे कम रिलीज करेगा, क्या मिलेगा, ब्यूटेन, H2 आइस में भी डाल दो, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी ब्यूटेन देगा, मान लो इसके अंदर 100 एनर्जी स्टोर थी तो 100 रिलीज हो जाएगी, मान लो इसके अंदर 150 एनर्जी स्टोर थी तो 150 रिलीज होगी, तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, सिस की, याद रहेगा कि नहीं है, सेवरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेवरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सेवरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसी एक क्वेश्चन को 10 बार करना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन, और क्या अगला, हीट ऑफ कंबशन बता गया, हीट ऑफ कंबशन वैसे दोनों को बराबर होना चाहिए, क्यों, कार्बन हाइड्रोजन बराबर है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, इसमें बराबर है तो बराबर होना चाहिए, लेकिन स्टेबल कौन सा रहा है, ट्रांस, ट्रांस के अंदर एनर्जी स्टोर कम, तो ऑक्सीजन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज भी कम करे, इसलिए ट्रांस का ही हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ ऑक्सीजन कंबशन कम होगा, ट्रांस का हीट ऑफ कंबशन कम होगा, सही है, तेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर है, 33 है, हाँ जी सर, दिव्यांश तेरे हाँ जी सर 50, तेरे हाँ जी सर, उसे चित्राक्षी भी कम है, चित्राक्षी कितने है, 30 32 है, 34, और किसके है तुम्हारे, कितने 30, निश्चा, अच्छा निश्चा नहीं, तुमने दिया है, क्या फायदा मेरा, तो तुम लोग बोर्ड वाले पेपर दे दो, एंट्रेंस स्टार्ट होगी ना 12th वाली, जी तो फर्स्ट होगी, मेरी फर्स्ट आती है ऑब्जेक्टिव में हमेशा, कितना पूरे, पहले सब्जेक्टिव आना चाहिए फिर ऑब्जेक्टिव करते हैं, कितने दिया था, कितने हैं, 11th वाला तो दिया होगा, कितने हैं, कितने में से फिर कम कैसे रह गए, घर में क्या, कितना 25 नंबर है, सॉरी उसकी वजह कुछ है, फुल तुम बताओ, इसमें हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजन समझ आ गया ना, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजन समझ आ गया, बैक से जो एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर, किसके अंदर कम है एनर्जी स्टोर, हाँ तो कम, ट्रांस, तो ऑक्सीजन ऐड करने पर रिलीज भी कम करेगा, H2 ऐड करने पर रिलीज भी कम करेगा, H2 कब ऐड होगा, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगला क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम पॉइंट, पहले डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल किससे ज्यादा होगी, सिस तो पोलर होगा, ट्रांस तेरे को डाइपोल कैंसिल हो रहे हैं, तो ट्रांस की डायरेक्शन देखना एक बार, ये देखो इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव से उल्टा है, पॉजिटिव से ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन ये, दोनों क्या हो रही है, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो जाएंगी कि नहीं, तो डाइपोल बॉन्ड क्या हो जाएगी इसकी, और इस वाले में कैंसिल आउट नहीं होगी, ये कुछ यहाँ पे आएगा रिजल्ट, समझे कि नहीं, इसलिए सिर्फ पोलर है, ट्रांस नॉन पोलर, सिर्फ पोलर है, ट्रांस नॉन पोलर है, ट्रांस अगर सिमेट्रिकल होता है तो नॉन पोलर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे वो अलग है, यहाँ पे मैं COOH लगा दूं, COOH लगा दूं, सिमेट्रिकल है लेकिन तब भी ये पोलर होगा, पता नहीं ये बता रखा है मैंने सारा, ये तो ये था ट्रांस इज नॉन पोलर, सिस इज पोलर, तो जो पोलर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो पोलर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसे देखते हैं, जो पोलर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन अगर कोई सिमेट्रिकल तो सिमेट्रिकल कौन सा है इसमें से, कौन सा है सिमेट्रिकल, ट्रांस, कैसे पता लगाएंगे, सिमेट्रिकल कैसे पता लगेगा, सिमेट्रिकल अभी याद रख लो, ट्रांसमिटिकल है वैसे, इसमें ना चेक करते हैं COS POS, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री
सेंटर ऑफ मटेरियल, ये सब चेक करते हैं, उसके बेसिस बताते हैं। अभी तुम्हें नहीं करना कुछ भी, ट्रांस को याद रख लो, मटेरियल होता है। ट्रांस मटेरियल दिख रहा है ना तुम्हें, इसकी पैकिंग प्रॉपर होती है क्रिस्टलाइटिस में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। याद रहेगा क्या? जैसे एक क्वेश्चन एल्काइल हाइड्स का है, पेपर में जरूर आता है स्कूल में, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है देन ऑर्थो एंड मेटा, क्या रीजन होगा इसका भी? ट्रांस क्या है, क्या ये सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल फिट्स बेटर इन द क्रिस्टलाइटिस, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये जरूर लिख के आना फिर। पता क्या बोले मैंने, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आएगा तो सिमेट्रिकल नेचर जरूर देखना। सही ना, ये क्या है, सिमेट्रिकल है तो इसकी पैकिंग प्रॉपर होगी क्रिस्टलाइटिस में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सेम केस किस के साथ आया, ट्रांस के साथ। सेम केस किस के साथ आया, ट्रांस के साथ। याद रहेगा कि नहीं? ये सब मैं ले चुका हूँ पहले, पहले हो चुका है। कब किया मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, सारा हो चुका है ना, डायप्लोमेट के अंदर हो चुका है ना पूरा ये। नेक्स्ट, और ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन जब हो जाएगा तो और क्लियर होंगी चीजें। देखो नेक्स्ट, एक ना कंपाउंड बता रहा हूँ तुम्हें। देखो हमेशा ट्रांस क्या होगा, सिविल ज्यादा कि नहीं? ट्रांस हमेशा ज्यादा सिविल होगा। एक स्पेशल केस है साइक्लो एल्कीन के अंदर, स्पेशल केस है साइक्लो एल्कीन में, जब सिस ज्यादा सिविल होगा। जैसे देखो एक बार देखना, ध्यान देना, साइक्लो एल्कीन एक बार देखना, समझ आता है तो। अगर इसमें क्या ये कभी भी ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? ये एच यहां रहेगा, ये एच भी यहां रहेगा, रहेगा कि नहीं? अगर तुम इस एच को ऊपर करोगे तो इसको घूम करके नीचे आना पड़ेगा, कुछ ऐसे नीचे आना पड़ेगा ना इस बॉन्ड को, ये ऐसे नहीं समझ रही बात? ये बॉन्ड भी तो घूमेगा फिर, जब इसको घुमाओगे ऊपर करोगे, ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे, क्या बन पाएगा इसका ट्रांस? नहीं समझ रही बात? साइक्लो ये ले लो, ये भी सिस फॉर्म में, क्या इसका ट्रांस बना सकते हो? अगर इसका भी ट्रांस बनाओगे तो ये बॉन्ड घूम करके नीचे आएगा इधर, यहां से बॉन्ड टूट करके यहां जुड़ेगा कि नहीं? नहीं बन पाएगा कि नहीं? साइक्लोपेंटीन में ये भी किस फॉर्म में सेवल है? सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में सेवल। यानी अगर कोई पूछेगा क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? नहीं कर रहे शो, दोनों फॉर्म आनी चाहिए ना। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा क्लियर। मेरे को क्वेश्चन बताना था इसलिए बता रहा हूँ मैं, अब वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ये तो समझ आ गया ना, 6 तक भी ऐसे हो जाएगा, सिर्फ सिस फॉर्म, एच एच सिर्फ सिस फॉर्म स्टेबल है। 7 तक भी कौन सा स्टेबल है? सिस फॉर्म। 7 तक देखो, सिस फॉर्म भी स्टेबल है ना, लेकिन जब 8वां आएगा कार्बन तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, सिस भी आएगा ट्रांस भी आएगा। देखो इधर 8वें केस में देखो, अब वो समझ आ रहा थोड़ा टफ है। देखो ये 8वां वाला, ये कौन सा रिसीवर बनाया मैंने, कोई डाउट तो नहीं है? ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2, ये भी sp2, समझ रहे थे नहीं? अब ध्यान देना, अब मैं इसका ट्रांस बनाने बता रहा हूँ तुम्हें, कैसे बनता है इसका ट्रांस, इसको इमेजिन करना जरूर। देखो ट्रांस कैसे बनेगा, ये रहा सिस क्या ये समझ आ गया इसका, क्या ये समझ आ गया? देखो मैं चाहूं तो ऐसे भी रास्ता था, इसको ये लिया मैंने और उसका जोड़ ये लिया एच, ये लिया एच और बाकी तुम जोड़ दो, ये ट्रांस आ गया ना, बाकी सारे हाइड्रोजन जो है ये ऐसे करके जोड़ दो। 1 मिनट, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जुड़ गए ना ये। ये पीछे से जाके जुड़ सकते हैं कि नहीं, ये पीछे जाके जुड़ सकते हैं, मैं ऐसे दिखाता था तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में ये फिगर कैसे होती है वो बता रहा हूँ। क्या ये बात समझ आएगी? नहीं, इसमें ट्रांस की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, कहां से आई ट्रांस की पॉसिबिलिटी? तो साइक्लो साइक्लो एल्कीन्स कब ज्योमेट्रिकल शो करेंगे? कम से कम 8 कार्बन, क्या ये लाइन समझ आ रही है? कम से कम होना चाहिए 8 कार्बन। इसके बाद देखो 8 कार्बन तो आ गए,
लेकिन इसमें भी स्टेबल कौन सा है? सिस के ट्रांस स्टेबल सिस ही है, ट्रांस बॉन्ड में दिक्कत तो आ ही रही है ना, स्टेबल सिस ही है। 10 तक भी सिस स्टेबल, 8 9 10 11, 11 में क्या हो गया, दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर। 12 में कौन सा स्टेबल आ जाएगा, जो ट्रांस पहले हुआ करता था वही आ जाए 12वीं में। जटिल रचना पढ़ाऊंगा जब तो याद रहेगा ये। अब ये बनेगा कैसे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर वो समझ नहीं आएगा, जिसको समझ आगे करना नहीं तो छोड़ देना उसको। कुछ पता लगे मैंने क्या बोला है? बता भाई एक बार मैंने क्या रिपीट किया, जल्दी से बता दे एक बार हिमांशु। इसी में साइक्लोहेल की बता, क्या बताया साइक्लोहेल, साइक्लोपीन से स्टार्ट करी, जल्दी बोल। अरे साइक्लोहेल प्रोपीन से स्टार्ट करना, मतलब कुछ सुना ही नहीं है तू, बोल हिमांशु थोड़ा जोर से। नहीं तो जटिल होगी कि नहीं होगी, जटिल होगी कि नहीं होगी। चल तूने भी कुछ सुना नहीं है, तुम लोग बैठ के बातें करते हो सिर्फ, तू बता। 327, 327 में साइक्लोहेलिक्स के अंदर जटिल नहीं होगी, 8 से स्टार्ट हो जाएगी आना। सुन नहीं रहा तू, ये तो कैमन है। अरे तुम गलत मत सुना करो, 8 वाले साइक्लो ऑक्टिन से क्या करा देते हैं, 8 वाले साइक्लो एल्कीन से सेवरिटी जबरदस्त आ जाएगी और सिर्फ ज्यादा स्टेबल है। 8 से 11 तक, 12 से क्या होगा, समझ आ गया कि नहीं? जल्दी से देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, जो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देखो दर ये बना दिया मैंने ट्रांस, ये इसका एक कार्बन और प्लेन में रहेगा, ये इसका एक कार्बन और प्लेन में रहेगा कि नहीं? क्यों है प्लेन में, ये कार्बन की ऑब्लिगेशन क्या है, sp2। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ, प्लेन में रहेगा कि नहीं? अब देखो 4 कार्बन हो चुके हैं इसके, कितने कार्बन हो चुके हैं टोटल, 4। ये अब जो 5वां कार्बन है, क्योंकि हाइब्रिडेशन हो गई है sp3, क्या हो गई हाइब्रिडेशन, अब क्या वो प्लेन में रहेगा? या तो पीछे से आएगा या आगे से, पीछे से आ रहा है डॉट से, ये आ गया 5th कार्बन। नहीं समझ आई बात, ये आ गया 5th कार्बन, इसमें आ गया, सिक्स कार्बन, समझ आ गया कि नहीं? सेवंथ कार्बन, एट कार्बन, ऐसे होगा। पीछे से आएंगे दोनों, क्या एज्यूम कर पा रहे हो कैसे? ये पीछे से आएंगे और फिर इनका बॉन्ड बनेगा। अब ये 7 और 8 कुछ पास आ जाएंगे कार्बन के, नहीं 7 और 8 कुछ पास आ जाएंगे कि नहीं, तो अब इनका बॉन्ड बनेगा ऐसे, इस तरह से। ये पीछे से बन रहा है बॉन्ड, या तो पीछे से बनेगा या डबल बॉन्ड के ऊपर से बनेगा, या पीछे से बनेगा या डबल बॉन्ड के कहां से बनेगा, ऊपर से, क्या नहीं पता लगा? सिक्स वाला, अरे एक ना एक मिनट, वो तो कार्बन से बनाना है इसको, कार्बन से बनाना है उसको, सही है ना, कार्बन से बनाना है। 6th कार्बन, 7th, 5th बनाया ये, 6th बनाया ये, 7th ये, 8th ये, क्या ये बात समझे कैसे किया? आगे बताऊंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये करेगा शो इसी फिगर की वजह से। नहीं सोच पा रहे इसको, ये कैसे है? देखो उधर एक बार देख लो, उधर डबल बॉन्ड दिख गया, एच इधर, एच इधर, ठीक है। अब इसका एच इधर है, इसका एक कार्बन इधर प्लेन में, इसका एक कार्बन इधर ऊपर प्लेन में, ये तो ये इधर, ये इधर, ये प्लेन में आ गए, समझ आ रहा है कि नहीं है? उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे आया डॉटेड पीछे से, 5वां कार्बन ये, 6ठा कार्बन ये, 7वां कार्बन ये, 8वां कार्बन ये, और इन दोनों जोड़ दिया। नहीं सोच पा रहे, पता नहीं लगा क्या हो रहा है, नहीं सोच पा रहे, एक ये गया एच, ये गया एच, ट्रांस हो गए। अब एक कार्बन अगला, तीसरा कार्बन प्लेन में, तीसरा कार्बन प्लेन में, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ऐसे था ना, तो ये ऐसे, समझ आ गया?
अभी ये गया पांचवा कार्बन पीछे से, पीछे से छठा कार्बन पीछे से, सातवां कार्बन ऐसे, आठवां ऐसे, सातवां आठ को जोड़ दे, नहीं तो ये पीछे से या फिर फ्रंट, अगर ये सोच पा रहे हो तो आगे ऑप्टिकल में बहुत कम आएगा, मन में बोल के देखा इसको 8-10 बार, समझ नहीं आएगा हार्डली, जो 3D में अज्यूम कर सकते हैं ना उन्हीं को समझ आया वो, ये 5 साल बच्चों को, नहीं तो सोच नहीं पाऊंगा इसको, ये पीछे से आ रहे हैं या आगे से आ रहे हैं, क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं, कार्बन की एवरेजिंग है SP3, जो SP2 वाले तो सेम प्लेन रहेंगे, अगर SP3 वाले तो सेम प्लेन रहेंगे ना, इसलिए ऐसे कुछ तरह। तो ये चीज बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है कहाँ पे, ज्योमेट्रिकल, बस मैं वहां पर आपको याद है कि नहीं, तुम्हें ये बहुत देर डिस्कस कर दिया, समझ आएगा कि नहीं। तो साइक्लो ऑक्टीन बना दिया है सिस्टेबल, ट्रांस शो करेगा ऑक्टिन, यही तो करना, अभी चित्रा सकते हैं।